इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक सेमी सर्कल की फॉर्म में ये फिगर गिवन है, ये लूप कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूमता जा रहा है। इस लूप के घूमने के कुछ स्टेजेस हैं, जैसे पहले ये लूप ऐसे रहा होगा और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो पहले ये लूप ऐसे रहा होगा, फिर ये लूप एंटर कर गया इसमें इस तरीके से, ऐसे घूम रहा है, फिर ये लूप पूरी का पूरा घूम जाएगा अंदर की तरफ, फिर ये लूप बाहर आएगा और फिर ये घूमता घूमता वैसे ही आ जाएगा। तो ठीक, तो स्लो मोशन में देखा जाए तो ये लूप घूमता घूमता बाहर भी बाहर आएगा। आपको प्लॉट करना है करंट वर्सेस टाइम, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई सब्जेक्टिव नहीं, कोई एनसीईआरटी नहीं है। आपको करंट और टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है। इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये कॉन्स्टेंट ओमेगा के साथ घूम रहे है, किसी भी इंस्टेंट पर यह एंगल थीटा है, रेडियस इसका ए है, तो रेजिस्टेंस इसकी आर है और ये यहाँ पे हिंज्ड है, ये मूव नहीं करेगा, घूमता 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 अपनी जगह पे ही घूमता जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये पता होना चाहिए कि देखो जो लूप है, सेमी सर्कल है, शेप तो मैटर करती नहीं, हम इसे एक रॉड की तरह ट्रीट करेंगे। तो इमेजिन करें एक रॉड है, ये पूरी की पूरी बस ए से लेके बी तक रॉड है और ये रॉड का सेंटर है, रॉड के सेंटर और इसमें रेडियस क्या है, ए है। जब एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है तो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला किया था, हाफ वी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, हमने डेरिवेशन की थी हाफ वी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस रॉड का क्या है, ए, तो इतनी ईएमएफ होगी। अगर इतनी ईएमएफ होगी तो करंट कितना होगा, ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, करंट आ गया, तो करंट का मैग्नीट्यूड आ गया। अब करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए एक काम करते हैं, आप इस रॉड को कंसिडर करें, ये एक रॉड है, ये रॉड की वेलोसिटी वी है, एक रॉड है, रॉड की वेलोसिटी वी है, आप यहाँ पर बी मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, थंब यहाँ पर है, करंट कैसे जाएगा इस तरफ, देखो ना, अगर ऐसे घूम रहा है वेलोसिटी वेक्टर इसके 90 डिग्री पे है, तो बी ये कहाँ पर है, ये बी है, ये वी है और ये इस तरफ करंट है, तो करंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। फिर से ये रॉड मान लो अंदर की तरफ आ रही है, तो वेलोसिटी वेक्टर 90 डिग्री पे है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल करंट की डायरेक्शन देगा, इंड्यूस करंट की, बी बोर्ड के अंदर है, थंब इधर है और करंट इधर है, तो अगर करंट इधर है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है। अब जब ये एंटर कर रहा है लूप तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, और जब ये बाहर निकलेगा तो फिर क्लॉकवाइज है, तो आधे रीजन में एंटी क्लॉकवाइज है, आधे रीजन में क्लॉकवाइज है, इसलिए इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो ऐसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव करंट ये रहा और क्लॉकवाइज का मतलब ये रहा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये इसका ग्राफ प्लॉट करना है। इस ग्राफ के अंदर टाइमिंग को ध्यान से देख लें, आपको ऐसा टाइम गिवन होगा। अब ये जो टाइम है, इस टाइम का मतलब क्या होता है, पाई, ओमेगा का मतलब क्या होता है, टू पाई बाय टी, पाई से पाई कैंसिल, आंसर क्या आएगा, टी बाई टू। तो आधे टाइम पीरियड के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है, और इस टाइम को कैसे लिखेंगे, टू पाई बाय ओमेगा, ओमेगा का मतलब टू पाई बाय टी, तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा, कैपिटल टी, तो कैपिटल टी आएगा, राइट। तो टी बाई टू तक एंटी क्लॉकवाइज करंट है और टी तक क्लॉकवाइज करंट है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक समझ में आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करंट है इसमें। तो ये ग्राफ आपने ऐसे प्लॉट करना है, ठीक, ये पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, इसी के अंदर इसे ऊपर वाला क्वेश्चन है एक, इस ऊपर वाले क्वेश्चन में एक रिंग रोल करता हुआ आगे जा रहा है, एक रिंग रोल करता हुआ आगे जा रहा है, और आगे जा रहा है, रोल कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, वी इज इक्वल टू आर टाइम्स ओमेगा, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा से ही आगे जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक रेडियस कैपिटल आर कर लेता हूँ, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा से आगे जा रहा है। और आपको ये बताना है पी और क्यू के बीच में इंड्यूस ईएमएफ कितनी पैदा होगी, पी और क्यू को ज्वाइन कर दें, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करते हैं पी और क्यू, क्यू तो हमेशा टॉप पे रहेगा, पी हमेशा बॉटम पे रहेगा, तो इमेजिन करें एक रॉड मूव करती जा रही है आगे की तरफ, तो मोशनल ईएमएफ, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 2R, तो इसकी लंबाई क्या होगी, 2R, सोचें एक 2R लेंथ सीधा मूव करती जा रही है, तो मोशनल ईएमएफ कितनी डेवलप करेगी, बीएलवी में बी लेंथ की जगह 2R इनटू वी और वी की जगह आर ओमेगा, ये इसका मैग्नीट्यूड है। और ये कैसे प्लॉट करेंगे, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, फ्लेमिंग का रूल, सोचें ये रॉड है, इमेजिन करें ये रॉड जो है वो आगे की तरफ मूव करती जा रही है ऐसे, तो बी बोर्ड के अंदर है, थंब राइट है, तो करंट कैसे होगा, ऊपर, बी बोर्ड के अंदर है, थंब इधर है, करंट ऊपर, इंड्यूस करंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू
पॉजिटिव, जो इंड्यूस करंट है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो नीचे वाला नेगेटिव होगा ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, कोई डाउट इसमें? तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसका आंसर देना ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। जैसे ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, ये सब हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। एडी करंट हमने कर लिया था, सेल्फ इंडक्शन ये पोर्शन भी हमने कर लिया, यहाँ से करना है। तो आपको इसमें निकालना है पी क्यू में इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी। ये शीट नंबर 10 है, शीट नंबर 10। इसमें इमेजिन करिए करंट कैरिंग वायर है और ये एक रॉड है, रॉड वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। आपको इंड्यूस ईएमएफ बतानी है कितनी है। देखो अगर बी कांस्टेंट होता, हर तरफ बी सेम है, तो मेरा आंसर बी एल वी होता, बात खत्म हो गई। तो बी एल वी होता, बात खत्म होगी, पर बी चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? करंट कैरिंग वायर यहाँ पे बी ज़्यादा कम 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 और कम। तो अगर कम होता जा रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, बी नॉन यूनिफॉर्म है, बी अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो अपने को यहाँ पर सीधा आंसर मिलेगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, पहले इस रॉड का एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा डी एक्स, जो कितनी दूरी पर है, एक्स। तो एक्स दूरी पे आपने एलिमेंट ले लिया, स्मॉल एलिमेंट, इस एलिमेंट पे बी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई बाई एक्स, इनफाइनाइट वायर है, टू आई बाई एक्स। तो यहाँ पर स्मॉल मोशनल ईएमएफ होगी पहले बी एल वी, लेंथ की जगह क्या पुट करेंगे, डी एक्स। तो बी की जगह वैल्यू पुट कर दी एक्स की फॉर्म में। अब आप एक काम करें, टोटल ईएमएफ निकालने के लिए इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन में लिमिट क्या पुट करेंगे, x की लिमिट पहला एलिमेंट यहाँ होगा, आखिरी यहाँ पे होगा। जब पहला एलिमेंट यहाँ पे होगा x की वैल्यू क्या होगी, r, और आखिरी एलिमेंट में क्या होगी, r प्लस एल। तो लिमिट लगेगी r से लेके r प्लस एल, सारे कांस्टेंट बाहर आ गए, 1 बाई एक्स डी एक्स हो गया, जो कि मैक्स में log x होता है। एक बार x की जगह r प्लस एल, एक बार r, इन्हें माइनस करते हुए log ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज log ऑफ फर्स्ट टर्म बाई सेकेंड टर्म। ये आंसर ऑब्जेक्टिव मार्क करना है, कोई एनसीईआरटी से लेना देना नहीं इस लेक्चर का, अभी फिलहाल इस शीट में तो नहीं है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या आंसर मार्क करना है। जैसे मिलता जुलता क्वेश्चन है, फिर से एक बार वो कह रहा है कि एक रॉड है, रॉड को मूव करवा रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ वी नॉट, और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो बी की वैल्यू वाई के साथ अपनी वैल्यू क्या कर रही है, चेंज। मतलब अगर वाई की वैल्यू जीरो है तो बी कुछ और है, y बढ़ता 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 चला जाएगा, b की वैल्यू भी बढ़ती 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 चली जाएगी, कोई डाउट इसमें? तो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, b की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक? तो इसके अंदर y अब ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म b है, तो अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v नॉट है, तो इस पॉइंट पर आप स्मॉल एलिमेंट लेंगे डी वाई, स्मॉल ई एम एफ डेवलप करेंगे बी एल वी, बी इंटू एल की जगह डी वाई इंटू वी नॉट, बी की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट करेंगे और लिमिट लगाएंगे कहाँ से कहाँ, वाई पहला एलिमेंट यहाँ लेंगे, वाई की लिमिट जीरो से लेके एल तक, जीरो से लेके एल तक, ये देखो जीरो से लेके एल तक। बी नॉट वी नॉट कॉमन आ गया, मेडिकल के लिए क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म करके नॉन मेडिकल वाले अपना आंसर निकालेंगे। ये क्वेश्चन मेन्स लेवल में ऐसा क्वेश्चन आता है, आम बात है ऐसा आना, प्रीवियस ईयर में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे नॉन मेडिकल में। बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे इस प्रॉब्लम को हैंडल करना है। जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो मोशनल ईएमएफ में ई कभी निकलेगा नहीं, डीई ही निकलेगा, डीई को इंटीग्रेट करके ही आंसर आएगा, टोटल ईएमएफ की वैल्यू आएगी, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये क्वेश्चन तो मेडिकल वाले रेस्ट करें, बिल्कुल भी आराम करें, नहीं आता, वैसे सुनने की मर्जी है, और ये तो नॉन मेडिकल के अंदर भी नहीं आता। ये क्वेश्चन एचसी वर्मा के अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं, तीन प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ये तीन वो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप एचसी करना शुरू करें आपसे 80% हो जाएगी आज की डेट में, बट ये दो तीन क्वेश्चन आपके होंगे नहीं क्योंकि मैंने आपको ये टेक्निक बताई नहीं। तो इन एमरजेंसी नॉन मेडिकल वालों को इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो उनके लिए है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन काफ़ी इन्वॉल्व है, मेडिकल को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि आपके सामने रेल्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल है प्लीज, ये रेल ऐसे मूव कर रही है, और ये रॉड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये बैटरी है, एक स्विच है, आपने स्विच को दबा दिया, बैटरी ने इसमें करंट पास किया, करंट कैरिंग वायर इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? BIL। कैसे आएगी? फ्लेमिंग का रूल, B बोर्ड के अंदर है, करंट नीचे है, तो फोर्स कहाँ लगेगी? मेरी तरफ। तो रॉड रेस्ट पे पड़ी हुई है और वो मूव करना शुरू कर देगी, और रेजिस्टेंस इसकी आ रहा है, वो जैसे ही मूव करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी, तो मोशनल EMF डेवलप हो जाएगी, BLV। फोर्स ने इसको मूव करवाया, मोशनल EMF BLV डेवलप हो जाएगी। तो इसमें कितना करंट जाएगा, अगर रॉड मूव ना करती तो मैं सिंपली बोलता E डिवाइडेड बाई R आंसर, पर रॉड क्योंकि इसमें मोशनल EMF भी है जो आपकी अप्लाइड EMF को क्या करेगी, अपोज करेगी, तो इससे नेट करंट क्या होगा, E में से मोशनल EMF को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा बाय रेजिस्टेंस R, ये आपका करंट होगा। तो पॉइंट समझ में आया यहाँ तक, मोशनल EMF आपकी अप्लाइड EMF को क्या करेगी, कैंसल। अब एक्सेलरेशन क्या होगी, आपको निकालना क्या है, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, क्या होगी किसी टाइम टी पे, क्योंकि एक्सेलेशन जनरेट हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। तो एक्सेलेशन क्या होती है, फोर्स बाय मास, कौन सी फोर्स रॉड को आगे लेके जा रही है, BIL। करंट की वैल्यू पूरी की पूरी उठा के यहाँ पे पुट कर दें, ये वैल्यू आ गई, तो एक्सेलेशन की वैल्यू आ गई। एक्सेलेशन क्या होता है, DV/DT। नॉन मेडिकल मैथ्स के लोग वी वाली टर्म पहचानते हैं एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, मैथ्स में आप लोगों ने इंटीग्रेशन की हुई है, वेलोसिटी की लिमिट लगेगी 0 से V, 0 से T। अब मैथ्स में इंटीग्रेशन की है, लॉग का फॉर्मूला लगेगा इसमें, सॉल्व करते रहना, कर करके वेलोसिटी का ऑप्शन मार्क कर लेना, ये मैथ वालों की कैटेगरी का काम स्टार्ट हो गया। आपने किया हुआ है ये सब, मैथ्स में कराया होगा इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन से आंसर आएगा। तो समझ में आया कि आंसर ऐसा क्यों दिखेगा, मतलब अगर किसी क्वेश्चन में, रॉड के क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल आंसर दिख जाए तो समझ लेना कि यही कुछ हो रहा है इसमें, और हमने ऐसा क्वेश्चन कभी किया नहीं था, हमने तो कांस्टेंट वेलोसिटी का ही केस किया। हमने तो कौन सा केस किया था, आपने कहा, आप सोच रहे होंगे पहले तो कभी ये बात ही नहीं हुई, जबकि पहले तो ऐसे क्वेश्चन किए, वो इसलिए बात नहीं हुई क्योंकि एट टाइम टी इन्फिनिटी, अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा बहुत देर के बाद, स्टेडी स्टेट अचीव्ड टाइम इन्फिनिटी भी, ये टर्म जीरो हो जाएगी और आपका आंसर वापस से BLV हो जाएगा। तो हमने अपने क्वेश्चन स्टेडी स्टेट में किए थे, उससे पहले डिस्कस ही नहीं किए, उससे पहले ये कुछ हो रहा है। तो आइडिया समझ में आ रहा है, स्पेशली नॉन, देखो मेडिकल वालों को तो देखने की जरूरत नहीं है ऐसे बिल्कुल, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ये क्वेश्चन आपके उसमें आएगा, आएगा ही नहीं, और वैसे तो मेंस के अंदर भी ये लेवल नहीं आता, बट फिर भी यार यू नेवर नो, कल को क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल में दिख जाए, वेलोसिटी एक्सपोनेंशियल हो, तो कम से कम पता तो हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये क्वेश्चन मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए चलेगा। इस क्वेश्चन के अंदर ये एक लूप है जो कि वी वेलोसिटी से मूव करती हुई बाहर आ रही है, ये इसकी लेंथ एल है और विड्थ बी है, और इसके अंदर ये गिवन है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। तो यानी कि अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ तो लैम्डा को एल से मल्टीप्लाई कर दें, इसकी रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ तो लैम्डा को बी से मल्टीप्लाई कर दें, तो लैम्डा इंटू बी लैम्डा इंटू एल, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो अगर इस लूप को मैं मूव करवाता जा रहा हूँ विद यूनिफॉर्म स्पीड वी, तो आपको बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, आपको ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आपको बी और सी में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, आपको ए और डी में निकालना है, ये क्वेश्चन है। देखो ए और डी में तो निकालना सबसे आसान है, मोशनल EMF लगा दो, तो मोशनल EMF क्या है, BLV, बी लेंथ की जगह स्मॉल बी इंटू वी, तो ये आपके पास क्या आ गया, EMF की वैल्यू आ गई, डन हो गया। प्रॉब्लम है कि BC में कैसे निकलेगा, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इस पे तो BLV लग ही नहीं सकता है, तो लूप के बाहर आ गया, पर हाँ क्योंकि इसमें करंट घूमेगा, यहाँ पे जनरेट हुआ हुआ करंट इधर भी जाएगा, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा। तो इसका ट्रिक समझ लो, कॉम्पिटिशन में क्या करना है, जब यहाँ पर मोशनल EMF होगी तो आप मन में सोचें एक बैटरी लगी हुई है ऑफ BLV, तो आप बैटरी लगा लें BLV की, इमेजिन करें, और बैटरी के टर्मिनल्स कैसे लेने हैं, क्योंकि रॉड राइट मूव कर रही है, तो राइट हैंड रूल फ्लेमिंग का क्या कहते हैं, बी बोर्ड के अंदर है, थंब राइट है, तो करंट कैसे होगा, ऊपर, करंट ऊपर का मतलब करंट इंड्यूस मूव करता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नीचे का टर्मिनल नेगेटिव है और ऊपर का टर्मिनल पॉजिटिव, ऐसे टर्मिनल्स बनेंगे।
तो टर्मिनल बनाने आगे माइनस एन प्लस। तो मान ले एक बैटरी है, इसकी लंबाई बी है तो इसकी रेजिस्टेंस लैम्डा बी है, इसकी लेंथ एल है तो लैम्डा एल है, लैम्डा एल लैम्डा बी, ये सब रेजिस्टेंसेज हैं इसके। अब ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेवलप हो गया, कैसे? तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट है, इसमें करंट क्या होगा? बी इंटू वी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज सम ऑफ दिस 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 एंड दिस, ये रहा। तो करंट निकाल लो और फिर यहाँ पे ओम्स लॉ लगा लो, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? करंट इंटू लैम्डा बी, करंट की वैल्यू पुट कर दो इंटू लैम्डा बी, आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा। तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स का निकाल लेना, आप तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया ये क्वेश्चन, तो ऐसा कर सकते हैं। मेडिकल नॉन मेडिकल स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व, आइडिया समझ में आ रहा है इसमें? तो एक नई टेक्निक है इसको सॉल्व करने की। ये क्वेश्चन ओनली फॉर नॉन मेडिकल है, मेडिकल के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये। अगले दो क्वेश्चन सिर्फ नॉन मेडिकल के हैं, बस इतना ही है, बाकी सब कॉमन है सब। तो आपको याद होगा हमने क्लास में डेरिवेशन की थी, पावर डेवलप्ड, पावर डिसिपेटेड, मोशनल ईएमएफ, वो ये चार पांच पार्ट्स होते थे एनसीईआरटी के अंदर, मैंने पेपर में दिए भी थे। डेरिवेशन निकालो और एनसीईआरटी में आती भी है, जब आप एक रॉड को मूव करवाते हो तो मोशनल ईएमएफ क्या होगा, पावर डेवलप क्या होगी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये सब हमने किया था। सेम चीज़ इसमें है, वो ये कह रहा है कि मान लो एक रॉड रेस्ट पे है, और वो टॉपिक और इस टॉपिक में यही फ़र्क है, वो स्टेडी स्टेट का केस था, उसमें वी वेलोसिटी कांस्टेंट से मूव होता ही जा रहा था सब कुछ। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें रेस्ट पे है और रेस्ट से इसे उठाना है तो वेलोसिटी चेंज होएगी, तो इसमें एक्सेलरेशन का केस होगा। और हमने एनसीईआरटी में डेरिवेशन की, उसमें एक्सेलरेशन का केस नहीं था। तो इसमें रेस्ट पे पड़ी हुई रॉड है, आपने फोर्स लगा के वी वेलोसिटी एक्वायर करवा दी, तो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, वेलोसिटी बढ़ रही है, रॉड मूव करेगी, इसमें करंट पैदा हो जाएगा, करंट पैदा होगा तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स बी आई एल, जिस डायरेक्शन में आप मूव करवा रहे हो एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट होगी बी आई एल, क्योंकि बी आई एल फोर्स आपको अपोज करेगी। तो इसमें करंट कितना जाएगा इस रजिस्टर में, जो भी बी एल वी डेवलप होगा उसको आर से क्या कर देना है, डिवाइड, इसमें करंट आएगा। अब इतना करंट है, अब इस रॉड की एक्सेलरेशन क्या होगी, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुई तो एक्सेलरेशन होगी आपकी अप्लाइड फोर्स माइनस बी आई एल, आपकी अप्लाइड फोर्स माइनस बी आई एल बाई मास एम, तो ये एक्सेलरेशन होगी। और करंट की वैल्यू बी एल वी बाई आर ऊपर से यहाँ पुट कर दें तो ये टर्म आ गई, तो फिर से एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी पुट कर दें, मैथ्स के लोग फिर एक्टिव हो जाएं, वेलोसिटी वाली टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए लिमिट्स लगाएं जीरो से वी, जीरो से टी, फिर अपना मैथ्स लगाएं, इतना मैथ तो आपको आता ही है, आप वेलोसिटी तक पहुंच जाएं। तो अब इन क्वेश्चंस में अगर आपको एक्सपोनेंशियल दिख जाए तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है, एक्सेलेरेशन निकाल के डी वी बाई डी टी से इंटीग्रेट करना पड़ता है, और जिनमें कॉन्स्टेंट है उसमें ऑप्शन एक्सपोनेंशियल दिखेगा नहीं। तो नॉन मेडिकल वालों को आइडिया हो रहा है कि जिन क्वेश्चन में ऐसा आंसर दिखेगा तो उसका आइडिया क्या करना है, और मैथ्स इतना आता है आप इसके इंटीग्रेशन कर सकते हो। और अगर टाइम इन्फिनिटी हो जाए बहुत देर बाद, तो बहुत देर बाद टाइम को इन्फिनिटी पुट करके ये टर्म जीरो आएगी, आपके पास जो वैल्यू आएगी वेलोसिटी की जीरो करके एफ आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर आएगा। चलो वैसे वेलोसिटी ये आ गई टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, इस पूरी टर्म को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, पावर आ गई। टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे वेलोसिटी निकालनी है और पावर निकालनी है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दो, ये टर्म जीरो जाएगी, तो वेलोसिटी भी आ जाएगी और पावर भी आ जाएगी एट स्टेडी स्टेट। वो अलग बात अगर क्वेश्चन पूछे तब, बट आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, तो ये सब इसमें मेंशन करके दिखाया हुआ है। और स्टेडी स्टेट पे आपके फॉर्मूला वही आएंगे जो एनसीईआरटी में आपने किए थे। तो एनसीईआरटी में कुछ भी ना किया, बस कुछ भी ना लेते हुए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हुए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जबकि अगर रेस्ट से शुरू करवाना है फिर क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल में चलता है। ठीक है यहाँ तक, और लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव शीट्स करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में वो ये कहेगा कि आपके पास ये रेल्स हैं, ये रॉड को मैं नीचे गिरने वाला हूँ, इसका वेट इसे नीचे ले जाएगा, कैपेसिटर इसमें करंट डेवलप हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, जब ये रॉड मूव करेगी तो इसमें करंट पैदा होगा, करंट क्या करेगा कैपेसिटर में जाएगा और कैपेसिटर की चार्जिंग करेगा। टाइम के साथ कैपेसिटर में कितना चार्ज हुआ, इंस्टेंटेनियस चार्ज की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसके अंदर ये एम जी और ये बी आई एल है, क्योंकि जब एम जी होगा तो इसमें करंट पैदा होगा तो इसमें बी आई एल भी डेवलप हो जाएगा,
तो एन जी फोर्स इसको नीचे लेके जा रही है, बी आई एल इसमें अपोजिट फोर्स डेवलप हो जाएगी। तो इसके अंदर मोशनल ई एम एफ क्या डेवलप होगी, बी एल वी। चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बी एल वी। करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, तो डी वी बाई डी टी क्या, एक्सेलेरेशन ए, तो करंट एक्सेलेरेशन पे डिपेंडेंट है। और एक्सेलेरेशन की वैल्यू होगी क्या, एम जी माइनस बी आई एल बाई एम। करंट की वैल्यू, ये पूरी की पूरी करंट की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो ये टर्म आ गई, तो एक्सेलेरेशन निकल रही है, लेकिन एक्सेलेरेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सेलेरेशन निकल आई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई। फिर रॉड टी टाइम पे कितनी वेलोसिटी एक्वायर करेगी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्सेलेरेशन को यहाँ पुट करके वेलोसिटी आ गई। इस वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस चार्ज में वापस पुट कर देंगे ऊपर, तो ये चार्ज की वैल्यू आएगी। ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया, तो इसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया कि कैसे चेंज कर करके डी क्यू क्यू निकाल के अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत लेटर स्टेज है, नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, बट मैंने डाल दिया, मैंने बता दिया, हिंट देके, इतना सफिशिएंट है।